खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, तो चलिए हम लोग प्रोसेस में चलते हैं। अब हमने पानी रख दिया है 3 गिलास और ये आधा केजी शक्कर है, इसमें शक्कर डालेंगे और एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार करेंगे। तो चलिए इसे घोल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम लोग इलायची 3 से 4 कूट के ऐड करेंगे। तो चलिए मेल्ट होने के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड अच्छे से शक्कर मेल्ट हो गया और इसमें बॉयल भी आ चुका है। तो इसमें इस टाइम पे हम लोग 5 इलायची को कूट लिए हैं और इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर केवड़ा जल या गुलाब जल भी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग चिपचिपा होने तक कुक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 400 ग्राम के करीब में सीमा पाउडर लिया है और खोया, इतना हमने खोया लिया है और इस खोया को हम लोग इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से दोनों हाथ की सहायता से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स करना है ऐसे। तो देखिए इस तरह से जैसे खस्ता बनाते हैं उसको डालडा डाल के ये ऑयल डाल के मैश करते हैं ऐसे, बिल्कुल वैसे ही मैश करना है। तो ये देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और बिल्कुल। अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, रोटी जैसा डो इसका तैयार करेंगे। एक साथ में पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, आप चाहें यहाँ पे तो दूध भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हमने पानी नॉर्मल पानी यूज किया है। तो चलिए इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फिर आटा लग के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे गीले कपड़े से ढक के। तो चलिए 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग आटा से लोइयां तैयार कर लेते हैं, छोटे छोटे जिस भी साइज का पसंद हो। तो यहाँ पर हम इतनी साइज का बना रहे हैं छोटा छोटा, बिल्कुल अपनी मनपसंद साइज का बना सकते हैं। और बनाना ऐसे 2 से 3 बार प्रेस करना है आपको, फिर गोली बनाना, तब आपकी गुलाब जामुन फटेगी नहीं। तो इस तरह से बनाते जाना है। तो चलिए हम लोग बहुत सारी गोलियाँ बना लेते हैं फिर मिलते हैं। आपको इसी प्रोसेस का बनाना है। तो देखिए तो चलिए हम लोग बना के फिर मिलते हैं। तो फिर देखिए अलग अलग साइज़ की गोलियाँ बन चुकी हैं, ये लंबे में बनाए हैं और ये गोल में। तो थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी है और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी साइज बना है। तो 3 तरह से हम बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अभी से हम लोग तलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमने तलना शुरू कर दिया है और पहले हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म किए हैं, जब डाले हैं उस टाइम पे लो फ्लेम कर दिए हैं ताकि ये फटे नहीं। और बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं कीजिएगा नहीं तो ऑयल ज़्यादा सूख लेगा और फटने लगेगा। तो इस तरह से तलना है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह से हम लोग सारे गुलाब जामुन को तल लेते हैं। और इसे निकालने के लिए हम लोग का प्रोसेस होगा 2 मिनट हम लोग रेस्ट रखेंगे बाहर निकालने के बाद, फिर हम लोग चाशनी में इसे डालेंगे। इससे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है नहीं तो टूट जाता है, चाशनी में जाते ही ज़्यादा सूख लेता है क्योंकि गर्म होता है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को तल लेते हैं। और आप अपने पसंद के कलर जैसा भी पसंद हो उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। इस स्टेज पे भी आप निकाल सकते हैं और थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप डाल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना है आपको नहीं तो टूटने लगेगा।
और ज़्यादा ऑयल सूखने लगता है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे को तल लेते हैं। तो पेंडे के इस स्टेज को निकाल दे रहे हैं। अलग अलग कलर का आप चाहें तो एक बार में बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखिए बड़े वाला साइज को तल रहे हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका बनाने का, गुलाब जामुन एक भी क्रैक नहीं होगा और फटेगा भी नहीं। देखिए कितना निशान वाले भी इसमें यूज किए हैं, इस तरह के भी गुलाब जामुन निशान, फिर भी नहीं फटे हैं। देख लीजिए आपके सामने भी तलेंगे। तो इस तरह से आप बनाइए। बिल्कुल गुलाब जामुन का कलर भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा और फटेगा एकदम, फटेगा भी नहीं। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा और कलर ब्राउन होने तक कर लेते हैं। फिर अब हम इसे चाशनी में मिला देंगे। 2 मिनट हो चुका है, 2 मिनट बाद इसे हम मिलाएंगे। तो चलिए और ये वाला निकाल कर हम लोग 2 मिनट इसे भी बाहर रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, रसीली एकदम गुलाब जामुन बनी है, बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ में। तो चलिए बाय बाय।